पेठा बन गया हमारा भी गर्मी में। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुका हूँ आगरा में। कल रात को पहुंचा था वृंदावन से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और ब्रेकफास्ट करना है, तो अभी जा रहे हैं सीधा ताजमहल की तरफ। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा ताजमहल। चलो चलते हैं। सुबह सुबह मेरे ब्रेकफास्ट की स्टार्टिंग पता है कहाँ से हुई है? लेज वाले चिप्स से। और रास्ते में अगर आ रहे थे ना, बहुत मुश्किल से ढूंढा इस बंदे को जहाँ पे हम आए हैं। रास्ते में सिर्फ पेठे ही पेठे हैं। पेठे का जूस, पेठे की रोटी, पेठे की सब्जी, पेठे की मिठाई। मम्मी का तो मन ही उठ गया पेठों से। पेठा और दाल मोठ इतना फेमस है भाई, एक बार ट्राई करके जाएंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी जगह है, जहाँ देखो वहाँ पेठा नजर आ रहा है। कहाँ से बंदा खरीदे और कहाँ से खाए, दिल भर जा रहा है देख देख के। अभी हम आए राम बाबू के पराठे खाने और देखते हैं राम बाबू के पराठे कैसे हैं। नेट पे देखा था, गूगल पे सर्च करा है पराठे कहाँ मिलेंगे सही, तो यहाँ पर पराठे मिल रहे हैं। अब देखते हैं कैसे मिलेंगे। मम्मी बिना चश्मे के देख लो, मम्मी का चश्मा बंदर ले गया है और मम्मी जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं बनवाऊंगी अब, क्योंकि घर जाना ही है शाम में। जिस बाबू पराठे वाले के पास गए थे ना, वो भाई साहब इतना ओवर रेटेड पराठे वाला, और अंदर बैठ के मैंने गलती से ऑर्डर करने से पहले उसके रिव्यू पढ़ लिए और रिव्यू सारे इतने बेकार थे। मैंने कहा यार अगर सुबह सुबह ऐसा खाना खाऊंगा तो कितना बेकार लगेगा, इसलिए वहां से मैं आ गया हूँ बाहर। और यहाँ पर एक मॉल था पास में, यहाँ पर आए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैकडी में आ गए हैं और मैकडी से ऑर्डर किया हमने। क्योंकि बाहर भाई मुझे थोड़ा सा इशू रहता है खाने में, कि खाना अगर सुबह खा रहे हो तो एटलीस्ट वो क्लीन होना चाहिए। वहाँ भाई साहब टेबल पे बैठ गया और टेबल पे पड़ा हुआ हर सामान ये गिरा चुका है, सिर्फ ये बचा है टेबल पे, बाकी सबने सब कुछ हटा दिया। तो गाइस पहुंच गए हैं ताजमहल, अब चलते हैं बाहर। लेकिन बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर किया जा रहा है खुद को, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है, इसलिए 5-5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं यहाँ पे। चलो चलें। निकल इशू, गेट खोल इशू का मन ही नहीं कर रहा धूप में निकलने का। सोच रही है इशू का, किसी का भी मन नहीं कर रहा निकलने का। सोचने में डूबी है कि कैसे निकलूं। और मम्मी के लिए अभी गए थे चश्मे के लिए, लेकिन वहाँ पर वो बंदा 2-3 घंटे मांग रहा है, लेकिन 2-3 घंटों में तो हम घर के लिए निकल चुके होंगे, तो इसलिए अब घर जाके ही ढंग से बन पाएगा चश्मा, ये मुझे समझ आ गई है। और मम्मी को बिल्कुल पास से दिखा के लाएंगे ताजमहल, ताकि पूरे एजेस क्लियर दिखे, ब्लर ना है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। नजर आ रहा है मम्मी की एक आंख का ऑपरेशन हुआ बड़ा, उसमें नजर आता है मेरे को। चलो चले। ओहो हो, इतनी धूप में कुछ तो होना चाहिए था भैया। मौसम तो बदल गया है यार, मौसम ऐसा रहे ना थोड़ी देर तो मजा आ जाएगा। उल्टी बना रही है उल्टी, ये पहनने का एक सेकंड भी नहीं, लेकिन ये तो गंदी सी लग रही है थोड़ी सी, सही साफ नहीं है। मिस्टर इंडिया हेलो, चनी मिस्टर इंडिया बन गया अब ये मम्मा यहां उसको देखो एक्सप्रेशंस भी दे रहा है साथ साथ। ठीक है ऐसे पकड़ ले ऐसे। ये देख लो सेठ जी को एक बार। पुरु 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 वो लाइट देख रहे हैं, उसमें लाइट अलग नजर आ रही होगी इसको, ये है ना कलर नजर आ रहा होगा ना इसको अलग। सेठ जी इधर देख लो शायद। अंत लेवल की गर्मी है भाई, ताजमहल आने का डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो सारे लग के बैठ गए हैं कि कोने में, मम्मी यहाँ बैठ गई, पापा यहाँ बैठ गए और ईशू यहाँ बैठी हुई है, सब बैठे हैं। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा लस आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि सीधा यहाँ से निकल के घर चले जाऊँ। बड़े शौक से घूम रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं गर्मी में भी। हम भी तो शौक से आए वृंदावन से, लेकिन वो तो यहाँ पे आके शौक खत्म हो गया हमारे गर्मी देख के एकदम। हम नहीं जा रहे तो ये बेचारा अकेले जाने में लगा हुआ है, कह रहे मैं अकेले देखने चले जाऊँगा ताजमहल। उधर पकड़ लो, उधर चल रहा होगा भाई। सबको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था उठने में, अभी जस्ट वहाँ से उठ के आए हैं आगे, और बस मन है कि 15 मिनट में घूम के ना पूरा फटाफट से वापस गाड़ी में जाके बैठ जाए। पाँच मिनट चलने का रेस्ट, इतनी थकान, सो तो नहीं होगी गाड़ी में बैठती। क्या ये टूटा हुआ यार, ये मत दिखाओ। ये सर डैमेज नहीं है, नेचुरली वैंस है, ऐसे वैंस होता है ना, वो वैंस से आपको लग रहा है टूट हुआ है, इस ब्रेक में इसका कुछ सही प्रोडक्ट दिखाओ फिर इसके दूसरा। घर निकलने से पहले हो रहा है टी ब्रेक यहाँ पर सबका, और मेरा टी ब्रेक नहीं है क्योंकि मेरे को गर्मी में चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं पीऊँगा नारियल पानी। एक नारियल पानी लेना,
नारियल पानी तो बहुत सही लग रहा है गर्मी में, हल्का सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। गाइस फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं थकने हारने के बाद, अब घर जाएंगे। और मम्मी कह रही कि रास्ते से पेठा ले ले, लेकिन मम्मी को ये नहीं पता कि हमारी खुद की हालत पेठे ऐसी हो गई है, पेठा बन गया हमारा भी गर्मी में। आगरा में, मथुरा में बिल्कुल ठीक था, वृंदावन भी ठीक था, लेकिन आगरा में आते ही हमारा पेठा बन गया। पेठा ले ही रहे हैं हम, और यहाँ पर एक फेमस दुकान है पंछी पेठा के नाम से, और शायद से ये वही दुकान है। भैया आपकी पंछी पेठा वाली जो दुकान है मेन, चलो बताओ कौन सा पेठा हम लेके जाएं, क्योंकि हमने पेठे की दुकान बहुत देख ली। जितना पेठा मम्मी ने रास्ते में देखा है ना, उतना ही पेठा खरीद लिया घर के लिए। पता नहीं क्या करने वाली है इसका, क्या करोगे क्या इतने पेठे का? नमकीन ज्यादा लिए हैं पेठा कम है, नमकीन ज्यादा, चार डब्बे भाई पेठे के, चार है, चार डब्बे पेठे के ले लिए, कम नहीं है भैया हमारे लिए, मीठा कम खाते हैं, फ्लेवर भी अलग अलग है, ये पैसे ले लो। मम्मी ने नमकीन इतनी ले ली है यहाँ से कि दिल्ली में जैसे मिल ही ना रही हो।